कोटा में 10 फरवरी से चल रहे कोटा नॉर्थ टूर्नामेंट का आज समापन हुआ। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत और खेल मंत्री अशोक चांदना ने समापन समारोह में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। धारीवाल स्पोर्ट्स क्लब के चेयरपर्सन एकता धारीवाल और कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने दोनों अतिथियों का स्वागत किया। खेल मंत्री अशोक चांदना और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत काफी वक्त तक नयापुरा जेके पेवेलियन में मौजूद रहे और फाइनल मैच का लुत्फ उठाया। फाइनल मैच कोटा उत्तर के वार्ड 29 और वार्ड 31 के खिलाड़ियों के बीच हुआ, जिसमें वार्ड 29 ने जीत दर्ज की। समापन समारोह में मंत्री चांदना और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने विजेता टीमों को पुरस्कृत करने के साथ उन्हें ट्रॉफियां देकर नवाजा। वार्ड स्तर से लाकर क्रिकेट के बड़े मैदान में खिलाड़ियों को उतारने पर दोनों ही अतिथियों ने धारीवाल स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से किए गए इस आयोजन की सराहना की। खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया में भले ही राजस्थान को 12वीं रैंक मिली हो, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब प्रदेश प्रथम और दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाएगा। और खिलाड़ियों की समस्या को तुम समझोगे और मुझे ऐसा काम करके दिखाओ कि आने वाले समय में खेल प्रेमी याद रखे, खिलाड़ी याद रखें कि राजस्थान का 2018 से 23 का कांग्रेस पार्टी के टेन्योर में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम है। आज आउट ऑफ टर्न नौकरी के तहत 2 दिन पहले 153 बच्चों की नौकरियां लेंगी। आउट ऑफ टर्न का मतलब क्या होता है? कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई लिखित का टेस्ट भी नहीं हुआ, उनकी डिग्री भी नहीं देखी गई, कोई वैकेंसी भी नहीं थी, वैकेंसी खुलने का इंतजार नहीं किया। आउट ऑफ टर्न होता है कि ये खिलाड़ी है, इन्होंने देश और दुनिया में मेडल लाकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। और उस मेहनत के नाते इन खिलाड़ियों को सीधा अपॉइंटमेंट दिया जाता है। राजस्थान इस पॉलिसी के अंदर देश के सब प्रदेशों को पीछे छोड़ चुका है, हरियाणा पंजाब तक हमारे पीछे। और सपना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि एक दिन, आज जो हमारे अभी एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि देश में कौन से नंबर पर आप राजस्थान को मानते हो, मैं तो एक मान लूंगा, बेटी का ठाकर के पास उठाकर न खिलाओ तो गाँव को जनाड़ी सब मानेगा को बैठा कर। खेलो इंडिया के अंदर राजस्थान की रैंकिंग 12 है, तो मैं 12वें नंबर पे अपने आप को मानता हूं। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं आज से 5 साल के बाद में, ये पत्रकार महोदय, ये खेल प्रेमी नोट कर लें, 5 साल के अंदर राजस्थान प्रथम टीम राज्य में होगा। नहीं, अच्छा जोश है यहाँ पे कोटा में क्रिकेट के प्रति, और जिस तरीके से आदरणीय हमारे मंत्री जी शांति धारीवाल साहब का खुद का गृह क्षेत्र है, खुद का गृह जिला है, और उनके परिवार में श्रीमती एकता धारीवाल जी और श्री अमित धारीवाल जी ने इसका आयोजन किया बहुत अच्छे तरीके से। मुझे बताया गया कि 10 तारीख से ये क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और आज इसका फाइनल यहाँ पे रखा गया है कोटा में। मुझे खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने कोटा आ सका। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एकता धारीवाल जी को, अमित धारीवाल जी को, कि आप लोगों ने, दोनों ने मुझे यहाँ याद रखा, इस शानदार कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ निमंत्रण दिया और आप सभी लोगों से मेरा मिलना हो सका। और मैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं आरसीए के अमीन पठान जी, वो नहीं आ सके क्योंकि जयपुर में कोई मीटिंग थी, मगर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जो तमाम पदाधिकारी भी यहाँ आए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने जो है मेरा स्वागत किया है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।